और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में मोदी की सभा से पहले हंगामा हुआ है। दो गुट समर्थकों के आपस में भिड़ गए हैं और वहां पर कुर्सियां तक फेंकी गई हैं एक दूसरे के ऊपर। रैली स्थल के आसपास ये जो चक्कर ग्राउंड के अंदर रैली होनी थी वहां पर यह हंगामा हुआ है। हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्यों बरपा ये पूरा हंगामा और अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो यहाँ लोग जो सुनने आए हैं नरेंद्र मोदी की जो सभा में जो आए हैं उनके भाषण को सुनने आए हैं, यहाँ जो तादाद है वो काफी संख्या काफी है और इस कारण संख्या की वो कम थी तो बैठने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे काफी भद्दर का माहौल हो गया, अपना तफरी का माहौल बना, लेकिन सुरक्षा बल जो है इकान सुरक्षा बल इन लोगों को शांत कराने में इनको समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। थोड़ा अपना तफरी का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन कुर्सियां जो है दूसरे पर लोग देखना शुरू कर दिए और इन लोगों की मांग थी कि कुर्सियां हटा दी जाए क्योंकि यहाँ जो लोगों के खड़े होने की जगह थी वो कम पड़ रही थी। यानी कि जो भीड़ है, भीड़ जितना उन लोगों की अपेक्षाएं थी उससे ज्यादा भीड़ यहाँ दिख रही है, इस कारण से माहौल जो है खराब हो गया। अब ये भी जानना चाहेंगे अमित, क्या कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं वहाँ पर, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है? अमित, क्या कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, कुछ लोगों को चोटें आई चूंकि कुर्सियां जो दूसरे पर फेंकता शुरू किया इन लोगों ने, तो कुछ कुर्सियां जो किसी के हाथ पे या फिर पैर पे लगी है जिससे कुछ लोग। जी अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है चर्चा के लिए, अब उसके पास चलते हैं। श्याम जाजू जी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची है मुजफ्फरपुर में, यहां तक कि समर्थकों के बीच में कुर्सियां चढ़ गई क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। अच्छा संकेत है कि भीड़ वहां पर पहुंची है, लेकिन एक बात बताइए, आज जो तमाम बिहार की जनता है वो इंतजार करे बैठी थी कि उस पैकेज जिनका उसको पिछले 1.5 साल से इंतजार है वो मिलेगा, आज नहीं दिया मोदी जी ने, ऐसा क्यों? मोदी जी के सभाओं में भीड़ होती है, भीड़ नए नए कीर्तिमान स्थापित करती है, ये कोई नई बात नहीं है। जहां भी जाते हैं वो भीड़ खींचने वाला आज देश में सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट नेता मोदी जी है। एक उनकी विशेषता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं और जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं। इसलिए आज उन्होंने घोषणा क्या की और घोषणा क्या नहीं की ये कोई विषय नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के पैकेज में जितनी आपकी अपेक्षा है उससे ज्यादा मैं आपके पैकेज से दूंगा और बिहार का विकास ये मेरे प्रायोरिटी का विषय है। 5 साल में कितने 3.75 लाख करोड़ रुपया बिहार को मिलने वाला है और बिहार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की कमिटमेंट उन्होंने की है। 5,000 करोड़ रुपए इसके पहले हाईवे नेशनल हाईवे के लिए दिए गए हैं और बिहार को विकास के इस मेन रफ्तार में शामिल करने का जो उन्होंने संकल्प दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी पर्याप्त है। बिहार की जनता ये समझ सकती है, मोदी जी विकास रूप के नाम से जाने जाते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। श्याम जाजू जी, आपने जब पॉपुलर नेता मोदी जी के लिए इस्तेमाल किया तो शायद आप शब्द पॉपुलिस्ट बोल गए, वहां पर दुरुस्त करना चाहूंगी आपको, आपकी मंशा पॉपुलर कहने की होगी। पोजीशन का होगा तो ऐतराज करेगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, हमें एक मजबूरन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हमारी ये चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। बिहार पर आज मोदी जी पहुंचे हुए हैं, बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी और एनके सिंह सर भी हैं। एनके सिंह सर, पहले आप बताएं, 10 मिनट नीतीश जी बोले, करीब करीब 25 से 30 मिनट प्रधानमंत्री मोदी बोले, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखा? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों अपने स्पीच के बेस्ट परफॉर्मेंस पे थे। नीतीश के बारे में भी कहने की जरूरत नहीं है, नीतीश ने बड़े प्यार से वो चीजें जो केंद्र की तरफ डालनी थी बड़े ही टैक्टिकल वे में हंसते हुए डाल दी और उतनी ही खूबसूरती से मोदी जी ने उसका काउंटर किया और ये बताया कि वाजपेयी जी के साथ जब आप थे और आप रेलवे मिनिस्टर थे तो कितना विकास हुआ और जैसे ही आप इधर आए और उनका इशारा लालू यादव की तरफ था कि लालू यादव जब राज्य के मंत्री बनते हैं, रेलवे मंत्री बनते हैं, तब कितना चौपट हो गया। अब ये नीतीश के लिए एक बहुत सा अजीब सा अनटेनेबल पोजीशन थी कि उन्होंने बिना लालू का नाम लिए एक व्यंग कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत शालीन तरीके से हल्के व्यंग बाण चलते रहे। प्रदीप जी, अच्छा ये बताए, कुल मिलाकर 7-8 बार नीतीश कुमार जी का नाम लिया मोदी जी ने, लेकिन एक भी पर्सनल अटैक या अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार पर ऐसा हमला नहीं बोला?
नहीं आंचल, देखिए अगर इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात आप देखें तो दोनों ने, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री दोनों ने अपनी संवैधानिक पद की जो मर्यादा है, गरिमा है, उसको बरकरार रखा। उस कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में राजनीति को नहीं आने दिया। हालांकि दोनों राजनेता अगर आने भी दिया तो बहुत हल्के से। दोनों राजनेता हैं, दोनों जानते हैं कि राजनीति को किस तरह लाया जाए कि लगे नहीं कि राजनीति आई। तो ये काम दोनों ने बखूबी किया। नीतीश कुमार ने बताया कि हमारी केंद्र से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या परेशानियां हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि हम तो फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पक्ष में हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ चलिए, विकास होगा। और उन्होंने एक कॉन्ट्रडिक्शन जो नीतीश कुमार के गठबंधन में है उसकी ओर भी इशारा कर दिया। इस मंच पे तो दोनों ने सदी हुई एक तरह से भाषण दिए, लेकिन मुजफ्फरपुर में पहुंचकर क्या मोदी जी के तेवर कुछ बदल जाएंगे, अंदाज में कुछ फर्क आएगा, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।